हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ये है गुजरात सीरीज में भुज सिटी पार्ट टू। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं किस तरह चंडीगढ़ से दिल्ली होता हुआ भुज पहुंचा। भुज पहुंचकर होटल में चेक इन करने के बाद हमने हमीरसर लेक, पराग महल, आईना महल, कच्छ म्यूजियम, रामकुंड, छतेड़ी और खारी नदी की सैर की। ऊपर स्क्रीन के लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आई के आइकन पर क्लिक करके आप पिछले एपिसोड को देख सकते हैं, तब ये एपिसोड आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं भुज में देखने की बाकी जगहों के बारे में, जिसमें शामिल है स्वामी नारायण टेम्पल, भुजिया हिल और भुजिया फोर्ट, वंदे मातरम मेमोरियल और हिल गार्डन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी नारायण टेम्पल हमीरसर लेक के किनारे पर बसा हुआ है। कच्छ म्यूजियम से इसकी कुल दूरी है करीब 700 मीटर। शाम का वक्त था, भक्तजन मंदिर में आ जा रहे थे। सफेद रंग के संगमरमर से बना स्वामी नारायण टेम्पल पहली झलक में आपका मन मोह लेगा। 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप ने भुज सिटी के साथ साथ इस मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों ने बाकी सत्संगियों के साथ मिलकर दोबारा इस मंदिर को खड़ा किया। रामकुंड, छतेड़ी और कच्छ म्यूजियम ये सब 200 से 300 मीटर के एरिया में ही आते हैं। आप पैदल चलकर इन सब जगहों पर घूम सकते हैं। भुजिया हिल और भुजिया फोर्ट। भुजिया हिल बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, जिसे भुजिया डूंगर के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर का बाहरी इलाका है। यहीं पर बसाया गया है भुजिया फोर्ट। ऊपर एक नागा टेंपल है। भुजिया नाम भुजंग यानी सांप से निकलकर आया है। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से अगर चले तो पहले कच्छ पर नागाओं का शासन हुआ करता था, जिन्हें भुजंग कहा जाता था। इस पहाड़ी की ऊंचाई 160 मीटर है। इसी पहाड़ी की चोटी पर भुजिया फोर्ट बनाया गया है, जिसे जितेन जडेजा समुदाय के लोगों ने 1715 ईस्वी में बनवाया था। भुज के इतिहास के 6 सबसे बड़े बैटल इस फोर्ट ने देखे हैं। इसी पहाड़ी के किनारे पर आपको स्मृति वन के नाम से एक मेमोरियल पार्क और म्यूजियम देखने को मिलेगा, जो 2001 गुजरात अर्थक्वेक के मरने वालों की याद में बनाया गया है, जिसमें 13,805 पेड़ लगाकर गुजरात के भूकंप में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। वंदे मातरम मेमोरियल। वंदे मातरम मेमोरियल एक अपनी ही तरह का खास नेशनल मॉन्यूमेंट है, जिसमें आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमें इतिहास के पन्नों के साथ में जोड़ने की कोशिश की गई है। वंदे मातरम मेमोरियल एक वंस इन अ लाइफ टाइम और मस्ट हैव एक्सपीरियंस है हर एक हिंदुस्तानी के लिए, जो कि अपनी जड़ों के साथ और नेशनल प्राइड्स के साथ फिर से जुड़ना चाहता है। आशापुरा फाउंडेशन ने वंदे मातरम मेमोरियल की स्थापना की है, जो कि 12 एकड़ में फैला है। यहाँ पर हमारे संसद भवन का प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक गर्मियों में और 6 बजे तक सर्दियों में। एंट्री टिकट है एडल्ट्स के लिए 100 रुपए और बच्चों के लिए 20 रुपए, फॉरनर्स के लिए 400 रुपए।
हिल गार्डन। अपनी दूसरे दिन की यात्रा के दौरान आप जा सकते हैं हिल गार्डन। ये शहर का एक फेवरेट पिकनिक स्पॉट है, जहां पर बोटिंग, राइड्स, म्यूजियम, वाटर पार्क और इसी तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। यहां से आपको भुज शहर का पैनोरमिक व्यू और नेचुरल सराउंडिंग को देखने का मौका मिलेगा, वो भी सनसेट व्यू के साथ। शाम हो चली थी, दिन भर घूमने के बाद अब भूख भी लगी थी, तो हम हमारे ही होटल के सामने खाओ गली में हमारे काउच सर्फिंग पर मिले एक दोस्त के साथ, जिनका नाम जिगर है, कुछ फेमस गुजराती डिशेस जैसे जाबेली, पाव विद खड़ी भाजी और गुजराती थाली का मजा लेने चले गए। ठंडी का मौसम था तो अब दिल किया कि क्यों ना गर्मा गर्म चाय हो जाए। वहीं से हम चल दिए तंदूरी चाय पीने के लिए, जहां नीलेमा ने ना सिर्फ चाय बनानी सीखी बल्कि चाय बनाकर लोगों को पिलाई भी। चाय लीजिए, चाय रेडी है। इन्होंने नया हायर किया जी, किया अभी थोड़ी देर पहले। थैंक यू, वेलकम। ठीक है सर, एक मिनट का ढंग दो। मुझे अंदाजा नहीं पता चला अभी सर, बस हो गया। नया जो बस याद रखोगे इतना अच्छा चाय बनना है। चाय चाय, मेरी शॉप का नाम है चाय चाय मार्केटिंग साथ साथ। ये जिगर है हमारे काउच सर्फिंग होस्ट भुज शहर में, और इन्हीं के वजह से हम लोग यहाँ पहुँच के चाय को एक्सपीरियंस कर पाए हैं। थैंक यू सो मच जिगर, थैंक्स अ लॉट, वेलकम। आई एम लविंग इट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टी आई एम हैविंग इन माय लाइफ, एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू कम एंड टेस्ट इट। द नेम ऑफ द प्लेस इज चाय चाय। त्रिमूर्ति टेम्पल है उसके एकदम सामने है, वो देखिए यहाँ से आपको त्रिमूर्ति टेम्पल वो लाइट के पीछे जलता हुआ दिख रहा है वहाँ पर। हम इसके बाद वहीं पर जाने वाले हैं और उसके बाद और इस तरह से भुज में हमारा पहला दिन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा कालो डूंगर और रण उत्सव के दौरान रण ऑफ कच्छ की सैर कराने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुजरात सीरीज के ये पहले दो एपिसोड्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप भी रण उत्सव के दौरान दिसंबर फरवरी के बीच रण महोत्सव में जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी जानकारी आपको चाहिए हम प्रोवाइड करवाएंगे। चल दे रहे सदा मीठे।
धीमे जो आंसू।